थैंक यू भैया। नमस्ते दोस्तों, सो रात के 10:15 का वक्त है और हम लोग निकल रहे हैं अपने घरों से कंबल बांटने के लिए, बिकॉज रात की ठंड, दिल्ली की ठंड, मतलब आप लोग जानते ही हैं, मतलब 4 डिग्री टेम्परेचर है, सिंगल डिजिट्स में टेम्परेचर है। हम तो अपने घरों में अगर रजाई से इतना सा पैर भी निकल जाता है ना हमारा, तो भी कितनी ठंड लगती है। तो आप सोचो जो लोग रोड पे रहते हैं, होमलेस लोग होते हैं, उनकी क्या हालत होगी ठंड में। तो वैसे ही आज हम लोग 140 कंबल डबल बेड के एकदम देंगे, बांटेंगे लोगों को ही आज। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द डोनर्स जिनकी वजह से पॉसिबल हो पाए, ये सभी उनके नामों की लिस्ट है। सबसे पहले 18 ब्लैंकेट्स जो हैं वो लेट बिष्णु प्रसाद मिश्रा जी की याद में हैं। एंड देन नेक्स्ट 53 ब्लैंकेट्स डॉक्टर किमी जी जो कनाडा में रहती है उनकी तरफ से, 9 ब्लैंकेट्स जयेश एंड सोनिया जी जो यूएसए में रहते हैं, 22 ब्लैंकेट्स इज फ्रॉम नींबू टेंजिंग जी, 9 ब्लैंकेट्स इज फ्रॉम कलसांग एंड फैमिली, 20 ब्लैंकेट्स इज फ्रॉम चोडल कपसांग कलसांग लामो जी इन मेमोरी ऑफ लेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड फादर, और 9 ब्लैंकेट्स साधना तोरवाल जी की तरफ से हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वजह से आज ठंड कट जाए, हमारी यही प्रार्थनाएं हैं। तो चलते हैं, लोगों का भला करते हैं इस रात की ठंड के बीच। ये देखिए, ये हमारा टेम्पो पूरा लोडेड है आगे कंबल से, पूरा भरा हुआ है सिर्फ डबल बेड ब्लैंकेट से, ये इतने फूल है कि गिर रहे हैं। चले फिर जनाब। सो देखा आपने, कंबल हमारे लोडेड है, हम हैं तैयार। चले फिर आज का कार्यक्रम शुरू करें ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का। ठंड का टाइम है, देखो लोग रोड पे ऐसे रहते हैं। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे मिले हैं, ठंड इतनी आग सेक रहे हैं। बुजुर्ग बाबा है, यही रोड पे सोते हो? इसी खाट पे हैं? इसी खाट पे ठंड में लोग हाथ सेक रहे हैं। नहीं तो लाओ, रुको पहले लोगों को आने दो। और भी लोग हैं यहाँ पे? और भी लोग हैं? कितने लोग हैं? आने दो, रुको। ओस पड़ता है, पूरा गीला हो जाता है ओस से। हाँ, ओस से सोते हैं। तो आप कैसे, मतलब घर नहीं है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर, तो यहाँ कैसे आना हुआ दिल्ली में? ये धंधे के वास्ते, वहाँ पे धंधा नहीं है। अच्छा, वहाँ पे काम वाम नहीं है? काम नहीं है ना। यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ ये बनाते हैं मूर्तियाँ, बनाते हैं, बच्चे जाते हैं मूर्ति उर्ति रोड में बना के बेचते हो। तो ठंड तो बहुत हो रही है दिल्ली में। अरे बहुत खतरनाक। रात को तो कैसे होता है? हमारे तो नीचे झुकी थी। अच्छा, नीचे झुकी थी ना, पानी की बाढ़ आई ना। हाँ, जब यहाँ आके बैठे हैं। अच्छा, पहले नीचे तो रोड पे भी आप लोग ऐसे ही रहते हो। इधर आओ बाबा, इधर आओ, आ जाओ आप लोग, इधर बैठो, बैठ जाओ, 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 सब बैठ जाओ। ये डबल बेड का ब्लैंकेट है, ठीक है, बड़ा। ये लीजिए, आप लीजिए, 3, एक पीछे आप लो भैया, 4, ओके, 5, 2 और दो लीजिए बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद दे भैया उनको बहुत। हरे कृष्ण, हरे राम, राधे राधे, राधे राधे। 5 लोग यहाँ पर है रोड में, ठंड में चले दो, देते ये दो, 5 लोग हैं इधर। देखो अब बुजुर्ग बुजुर्ग एजेड लोग, बच्चे रोड पे ऐसे ठंड में रह रहे हैं, कैन यू इमेजिन कितनी परेशानी में लोग हैं। तो ऐसे ही हम लोग रोड में जो ठंड से जूझ रहे हैं लोग, उनको ढूंढ ढूंढ के ऐसी कंबल बांटेंगे। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी से दिख रहे हैं, वो देखिए रोड पे 3 बंदे हैं उधर, उनको देंगे कंबल। है माता जी, अरे क्या उम्र, तो काफी उम्र दराज है, बूढ़ी है, तो बुजुर्ग है। अरे बाप रे, इतनी ठंड में कैसे फिर रह रहे हो? मुसीबत। लाओ कंबल, लाओ 3, लाओ 3 लोगो ना, 3 कंबल लाओ, 3। समय काट रहे हैं, समय काट रहे हैं अपने, समय कट रहा है बस किसी तरीके से। उसके ऊपर वाला है, है? जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है साहब। सही बात है, समझ सकते हैं, इतनी मुसीबतें में झेल रहे हैं। लो ठंड लग रही है।
इतने बुजुर्ग माता जी लोग यार कैसे जीते हैं। टफ लाइफ मैन। अरे हेलो, राम राम। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। ठंड लग रही है, लोग कांप रहे हैं। देखो ठंड लग रही है, दो माता जी को दो। एक और है उधर बैठो। जय हो। राम राम। आपकी मनोकामना पूरी हो। हैं? आपकी मनोकामना पूरी हो। आपकी भी। जो लोग रोड पे हैं कैसे कांप रहे हैं भाई, मजा आ रहा है जी। लेट्स गो। तो ये देखो, एक बंदा पतली सी चादर में उड़ के सोया हुआ है। नेता जी ऊपर से जाके उड़ा दो इसको। इस तरीके से हम लोग देखिए, जो लोग सो रहे हैं उनको कंबल उड़ा दे रहे हैं। बांटते पहुंच गए। देखो उधर देखोगे आप, ये लिखा है सफदरजंग हॉस्पिटल, इमरजेंसी सफदरजंग की। और इस तरफ लेफ्ट साइड है एम्स, अभी आएगा वो रहा एम्स। इधर ही सो रहे हो? किस चीज का इलाज कराने आए हमें? हाँ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। एम्स में? एम्स में, लाल बिल्डिंग में। हाँ, ऊपर से किडनी एक खत्म हो गया है, एक बच रहा है। किडनी? हाँ, लीवर के पीस है, पीस का थैली में गांठ। मास्टर जी को बोलो गाड़ी इधर लाए बैक करके, ठीक है? बिहार से, लखीसराय जिला से। अच्छा, अपना इलाज खत्म हो गया बेटा। आप भी इनके साथ ही हो? और पीत का थैली में गांठ बन गया है। तो यहीं सो रहे हो आप? हाँ, से आए हो आप? हम तो बिहार से आए हैं। इलाज कराने आप भी? हाँ, मेरे बच्चे का ऑपरेशन है। किस चीज का? इसका पेशाब करा। यहीं सो गए रोड में? क्या करें, नहीं कुछ जगह तो सोना पड़ेगा। आपको भी कंबल देते हैं, फिर आप भी बैठ के लो। डबल बेड का ब्लैंकेट है, ठीक है? करो ऐसे नहीं, गाड़ी में बैठो मास्टर जी, बैठो बैठो। ये लो, ये देखिए एम्स के बाहर यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। ये देखिए रोड पे सो रहे हैं, कितने सारे होमलेस लोग हैं। हाँ, इलाज करवाना है आप लोग? कहाँ से? झारखंड से। है? किसका इलाज चल रहा है? बच्चे का इलाज चल रहा है। कहाँ है बच्चा? बच्चा टेंट में। अच्छा, किस चीज का इलाज चल रहा है? कुछ चल नहीं सकता। कौन से, किस कौन से हॉस्पिटल? ऑर्थो में, एम्स। एम्स में? अच्छा, एम्स का ये रहा ना गेट। लाइन से बैठो, लाइन से बैठ जाओ, इधर से दो। चलो, हैंडीकैप हो आप? कंबल बट रहा है हमारे, देखिए। नेता जी एक देना, एक हैंडीकैप है बाबा, ये भी हैंडीकैप है एक, ये भी बाबा हैंडीकैप है, इनको दो। चेस्ट पेन, घबराहट, किसको? आपको? कितने लोग आप लोग यहाँ पे? छोटे बच्चे हैं, ठंड में बैठ जाओ चलो। ठंड लगती है? अब ठंड नहीं लगेगी, कंबल देंगे डबल बेड का, ठीक है? चलो, थैंक यू भैया। पहले देने तो दो,
पहले थैंक यू बोलोगे, पहले माताजी आप। ऑलमोस्ट मिडनाइट हो गई है, थक है बट लगे हैं जवान। टांग कट गई है मेरे बेटे की हॉस्पिटल में बाढ़ में। टांग कट गई कैसे? एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ से आए हो इलाज कराने? मैं यूपी अलीगढ़ से आया। कौन से हॉस्पिटल? सफदरजंग में। सफदरजंग। टांग कैसे कट गई भाई एक्सीडेंट में? एक्सीडेंट से उसके 10 ब्लॉक हो गई। तो अब यहीं सो रहे हो रोड पे? हाँ रोड पे सर, कंबल के लिए आया था। ये देखो हैंडीकैप, रुको रुको रुको, हैंडीकैप बाबा है। ये क्या हुआ? पेशेंट हूँ, मेरा ये साइड बिल्कुल काम नहीं करता। लेफ्ट साइड काम, पहले उन दोनों को दे दो, चलो आप कंपनी से बातचीत करके। लेफ्ट साइड काम नहीं करता मैं। इन दोनों को दे दो। मेरे सर एक की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ कौन से हॉस्पिटल में? ये सर एम्स में ही हुआ। एम्स में? ये पेशाब की थैली आई। यही रोड में रह रहे हो आप? ये देखिए इनका पेशाब की नली, ऐसे बीमार। इनको इनको उनको मिल गया भैया उधर भी सामने। हाँ उधर भी तीन लोग। आप बोल नहीं पाते क्या? नहीं 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 है बोलती। कंबल चाहिए? उत्तराखंड के? कहाँ पे? उत्तराखंड। बैठो बैठो बैठो, आओ बैठो, बैठ जाओ। नमस्कार, राम राम, जय हिंद। यहीं सोते हो रोड पे? क्या करें भैया, कैसे क्यों ऐसी हालत हुई? अब बच्चे इलाज हो रहा है इसके। क्या हैंडीकैप है? सॉरी हम रात को जगाया हमने, माफ करना हमें, बट कम से कम चैन से सो सकते हो आप कंबल से, ठीक है? बाय बाय। हमारे सारे कंबल डन यहाँ पे। अच्छा आप तो जाओगे नहीं तो जी? हाँ अब घर जाओगे श्रवण भैया के साथ आप? जी जी हम जाते हैं। ओके। कैसा लगा श्रवण बाबू? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत कड़कती ठंड में। नहीं सर ठंड कहाँ लग रहा सर, कार्यक्रम समाप्त हुआ यहाँ पे। आप अपने घर? हाँ अपने घर, फिर कल सेवा में शुरू करेंगे। श्रवण बाबू आपकी सेवा के लिए एक छोटा सा उपहार आपके लिए। छोटा नहीं सर, बहुत बड़ा उपहार है सर। कितना है फिर ये तो बताइए ना जी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है सर, ये तो बहुत ज्यादा। 4000? अरे भगवान, मेरा महीने का किस्त पूरा हो जाएगा इस साल तक सर। मेरा महीने का पूरा किस्त पूरा हो जाएगा, 6000 पूरे कम थे। आप मेरे मन की सुन ले, जाए हो देने वाले भी जाए हो। इसमें 2000 रुपए टेंजिंग सांगपो जी की तरफ से और 2000 छोडर कपसांग और कलसांग लामो जी की तरफ से है। बहुत मजा आ गया सर, कसम से आज मैं कह नहीं सकता। कल की भरपाई पूरी हो गई? बहुत बहुत भरपाई पूरी, कल की नहीं सर, 6 दिन की भरपाई मेरी पूरी हो गई जी। जी ठंड के टाइम मेहनत करने का नतीजा भी बड़ा जबरदस्त होता है। कितना होता है बताइए ऊपर का? 3, 4, 5 ये 6000 है सर। 6000 रुपए 12 नोट ठंड के मौसम में कराकर नोट इतनी ठंड में। हाँ। उनकी घर भरा रहा। 2000 रुपए टेंजिंग सांगपो जी की तरफ से और 4000 रुपए चोडर कपसांग और कलसांग लामो जी की तरफ से। हम भी धन धन है, इस मौसम में हमें काम करने के लिए मौका मिल रहा है, ना ठंड में निकलने का, सेवा करने का मौका हमें मिल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया जी नीरज जी। जी जी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बाय बाय। थैंक यू बाय बाय। जय हिंद। सो मास्टर दिस इज फॉर यू एज़ वेल। हाउ मच इज इट? 12 नोट यानी 12 है सर। 6000 रुपए हैं ये। 6000 रुपए 6000 है सर। आज तो मजा ही आ गया जी। बहुत हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी सर। बहुत खुश हैं उनको बहुत दुआएं मेरी तरफ से। वो जिंदगी में बहुत तरक्की करें बहुत खुश हैं। सो इसी के साथ कम से कम हमको 3.5 घंटे लगे। हमने कई चक्कर लगाए एम्स के सफदरजंग के और अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने बांटा। रोड पे लोग देखा आपने कितने बीमार लोग जो लोग अपना इलाज कराने आते हैं जगह नहीं होती रहने की रोड पे सोना पड़ता है ठंड में कंबल भी नहीं होता और दिल्ली की ठंड तो बहुत मैं क्या बताऊं जो रहते हैं यहाँ के वो लोग जानते ही होंगे। तो करना चाहिए ऐसे सेवा का काम बिकॉज ये एक्चुअल पुण्य है। आपकी वजह से किसी की ठंड कट जाए जान बच जाए तो उससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। अपने लिए तो हर बंदा सोचता है ना। हम तो घर पे रहते ही हैं लेकिन कभी आप बाहर निकल के देखो तो ऐसे भी लोग हैं जो कितना सफर कर रहे हैं और कितने लोग ठिठुर रहे थे। तो बस एक छोटा सा एफर्ट हम लोगों ने किया एंड थैंक यू सो मच। हमारे जो डोनर्स हैं वो इस काम को अप्रिशिएट करते हैं हमारे टीम के एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं एंड हेल्प करते हैं उसके लिए भी बहुत ढेर सारा शुक्रिया। अब हम मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय टेक केयर। जय हिंद।